के इस सेशन में हम लोग नया सेशन में आज चालू करेंगे हम लोग टैली के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टैली होता क्या है। आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको टैली के बारे में डीप नॉलेज देंगे। टैली होता क्या है, टैली का शुरू से लेके लास्ट तक सारे चीज़ को हम बताएंगे, बताने का कोशिश करेंगे कि आपको आराम से जो लोग वैसे लोग जो एक अकाउंट के स्टूडेंट है या अकाउंट के स्टूडेंट नहीं भी है उनके लिए भी हम लोग एक टैली का सीरीज लेके आए हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग चालू करेंगे कि टैली होता क्या है, हम लोग इसको वर्क कैसे करेंगे, इसका यूज क्या है, इस टैली का वर्जन क्या है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं व्हाट इज टैली, तो इसका मतलब है टैली इज एन अकाउंटिंग पैकेज विच इज यूज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, या दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डाटा ऑफ ए कंपनी, या आप दूसरे भाषा में कहिए इट इज यूज्ड टू ऑटोमेट एंड इंटीग्रेट ऑल योर बिजनेस ऑपरेशन सच एज ए परचेजिंग फाइनेंस सेल्स इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका टैली का मतलब होता है। अब हम थोड़ा सा बैक में आते हैं, टैली की ज़रूरत क्या 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 पड़ी। तो हम लोग जानते हैं पहले भी इसका अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते या काम होते आया है, लेकिन टैली के लिए हम लोग पहले रिकॉर्ड करते थे, जो भी करते थे हम लोग मैनुअल वर्क करते रजिस्टर पे किया करते थे। एक अकाउंट बनाने में हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इधर आप भर भर दिन कहे हम लोगों को लग जाता था। उसको आसान करने के लिए हम लोग टैली सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ जिससे हम लोग कंप्यूटराइज बेस्ड कहे या कंप्यूटर से रिलेटेड सारा काम आपको आसान करके देता है। हम लोग पहले भी जानते हैं पहले के समय और अब के समय में क्या अंतर है कि पहले लोग रजिस्टर पे जिसको हम लोग मुनीम जी कहा करते थे वो लोग टैली का हिसाब किताब रखा करते थे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आया, जो समझ में आया या उसके साथ कुछ परेशानी आई इसके लिए उसके बाद टैली का आविष्कार हुआ। हम यहाँ पर लिखे हैं आजकल सभी कामकाज के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टैली क्या है, हम यहाँ लिखे हैं या टैली का फुल फॉर्म आप जानिए। तो ये टैली जो है क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड्स, यानी टैली जो आपको टैली को 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका ने बनाया था। ये आपको ये टैली का आविष्कार कहिए 1986 में आपको हुआ। तो टैली काम क्या करता है, टैली का किस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो हम यहाँ पे आपको लिखे हैं टैली का क्या वर्क है। टैली सॉफ्टवेयर अपनी विशेषताओं के चलते छोटे बड़े उद्योग में बहुत लोकप्रिय है। आप कह सकते हैं कि टैली का अकाउंट से रिलेटेड काम होता है, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कहाँ गया नहीं गया, सारा का हिसाब ये मिनटों में करके देता है, आपका सारा हिसाब रखता है। जिसमें हमने कुछ विशेषता जो उसका यूज है हम यहाँ पे कुछ बताए हैं। टैली सॉफ्टवेयर की मदद से वाउचर और जनरल जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने और बनाए रखने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं सॉफ्टवेयर की मदद से स्टॉक इनकम और खर्च को ट्रैक किया जा सकता है। तो हम बताएं ही कि टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग डिफरेंट टाइप का स्टॉक या जो भी खर्चा रहता है उसे कर सकते हैं। टैली में इनवॉइस और रिपोर्ट भी तैयार किया जा सकता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए टैली में अकाउंटिंग फीचर्स भी दिए गए हैं। टैली में दिए गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सुविधा की वजह से बिजनेस और उनकी वित्तीय गतिविधियों के प्रबंधन और उनकी वित्तीय रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने का टूल दिया गया है। कहने का मतलब है मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सारे चीज़ का आपको इसमें दिया गया है। फिर टैली में टैक्स कंपेंसेशन की वजह से देनदारियों की गणना और GST रिपोर्ट तैयार किया जाता है, कितना टैक्स देना है, कितना लेना है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। फिर टैली में बजट की सुविधा से फाइनेंस टारगेट निर्धारित करने और प्राप्त करने में मदद मिलती है।
आप दूसरे नज़र में कह सकते हैं कि स्टॉक पर नज़र रखने खरीद बिक्री इन्वेंट्री मैनेज की जा सकती है। आपका कितना सामान गया, कितना सामान आया, सारा स्टॉक का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। और उसके बाद सेल्स और परचेज मैनेजमेंट के जरिए इनवॉइस बनाने भुगतान का बकाया राशि को ट्रैक किया जा सकता है। उसके अलावा बिजनेस लेन देन की बिक्री, ग्राहकों को ऑर्डर मैनेज करने के लिए टैली पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी मिलती है। इसके अलावा टैली में पेरोल मैनेजमेंट, रिपोर्ट एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिमोट एक्सेस जैसी विशेषताएँ जाती है जो बिजनेस गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो इस तरह से आप इतना वर्क देखें कि हम लोग टैली में काम करते हैं उसके हिसाब से हम लोग को जरूरत पड़ता है, कितना आपका स्टॉक गया, कितना आया, कहाँ रहे नहीं है, कौन सा उधार ले गया, कितना क्या ले गया, इस तरह से हम लोग टैली में काम करते हैं। अब रही बात टैली सीखने के बाद आप क्या करेंगे, बेनिफिट आप टैली सीख के क्या करेंगे। हमने लिखा है टैली अगर आप सीख लेते हैं तो विभिन्न प्रकार का आप जॉब कर सकते हैं, अकाउंटेंट में जॉब कर सकते हैं, बिलिंग क्लर्क बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, आप बुक कीपर बन सकते हैं, ये सब काम आप टैली सीख के कर सकते हैं। अकाउंटेंट करने का मतलब है छोटी बड़ी कंपनियों में, छोटे बड़े बैंक कार्यालयों में सब जगह एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। बिलिंग क्लर्क बिजनेस को स्टॉक होल्डर के लिए, चालान रसीद मैनेजमेंट इत्यादि के लिए आप शामिल कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट्स का काम, टैक्स कंसल्टेंट्स के रूप में आप बिजनेस और व्यक्तिगत क्लाइंट के संबंध में आप कर सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर, ऑडिटर, ये सब काम आप टैली सीख के कर सकते हैं। कहने का मतलब है जितना भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है, जो भी वर्क होता है आप सीख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ टैली का वर्क और टैली सीखने के आप फायदे कह सकते हैं कि आप कैसे सीखेंगे नहीं सीखेंगे। अब हम इस टैली का कुछ वर्जन के बारे में बताएंगे कि टैली जब आविष्कार हुआ तो कब आया, कितने प्रकार का वर्जन। वर्जन का मतलब होता है मॉडल। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वर्जन आते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, अब हर चीज़ का गाड़ी हुआ, सबका वर्जन होता है, यानी मॉडल कहिए, उसी चीज़ को कंप्यूटर के भाषा में हम लोग वर्जन बोलते हैं। तो सबसे पहले टैली का आविष्कार, ये टैली 3.090 आपको ये 90 में आविष्कार हुआ, ये वर्जन आपको डॉस वेस्ट वर्जन आया, ये 3.90। उसके बाद टैली आपको आया 3.12 जो 1991 में हुआ, टैली का 3.12 सिमिलर वर्जन है, ये आपको लिखता है इट इज सिमिलर आर टू बिफोर टैली, हेयर फ्यू फ्यूचर हैव बीन अपडेटेड, थोड़ा सा वर्जन आया। उसके बाद टैली का 4 वर्जन आया 1992 में, थोड़ा सा इसे एडवांस लाया गया। फिर टैली आया आपका 4.5, ये भी डॉस बेस्ड प्रोग्राम हुआ, लिखता है टैली 4.5 इज ए डॉस बेस्ड प्रोग्राम, डॉस प्रोग्राम इज वेरी लाइट वेट एंड हेंस द ऑपरेशन विल बी कम्प्लीटली क्विकली, ये लाया गया। उसके बाद मेन आया टैली का आविष्कार कहिए 4.5.4 जो 1996 में आया, ये 4.5 से आपका एडवांस वर्जन कहिए, जिसमें ग्राफिकल यूजर GUI विंडोज बेस्ड आया, इट इज ए ग्राफिकल इंटरफेस वर्जन दैट बिकम पॉपुलर इन मैसे, ये जो आपको आया। उसके बाद एडवांस आया, उसके बाद लेटेस्ट आपको 6.3 वर्जन आया, इस 6.3 वर्जन में VAT को सपोर्ट करने की फैसिलिटीज में आई। तो समय समय पर जरूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप का वर्जन आपको लॉन्च करते रहा। उसके बाद आपका टैली का 7.2 वर्जन जो आपको 2005 में लॉन्च किया, इससे एडवांस वर्जन आया, जिसमें आपको टैली VAT रेट्स के अलावा कुछ यूनिक और यूजुअल वर्जन सब इसमें लाया गया। फिर 2006 में आपको 8.1 वर्जन आया, जो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके अलावा आपको उसके बाद टैली 9 आया 2006 में, आप इसमें ये भी चला, ये आपका 9 इज ए नेक्स्ट वर्जन ऑफ टैली एडेड ए फीचर, जिसमें TDS, FBT, TDS और अदर फैसिलिटी का आपको लाया गया। इसके बाद टैली 9 का आविष्कार हुआ 2009 में, जिसको हम लोग टैली 9 या ERP भी बोलते हैं, ये लिखता है
टैली ईआरपी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली सिंस 2009 इट हैज ए लिंगुअल मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट हैज एडवांस फीचर इंक्लूड जीएसटी कैलकुलेशन इनवॉइस पेरोल प्रोसेस रिमोट ये जितना चीज़ आया आपको टैली ईआरपी से आया और उसके अलावा आपको लेटेस्ट जो आया टैली प्राइम इससे भी लेटेस्ट वर्सन है जो टैली ग्रुप का ही है टैली के वाले कंपनी जो टैली सॉल्यूशन है उन्होंने ही बनाया टैली प्राइम जो 1917 में लॉन्च किया हम लिखे हैं टैली सॉल्यूशन कंपनी का ही प्रोडक्ट है इसका एक्सपीरियंस एक नया लुक दे करके नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च किया गया जिसमें टैली प्राइम का लुक दिया गया जो है तो हम आपको बारी बारी से टैली प्राइम बताएंगे फिर उसके बाद टैली ईआरपी बताएंगे तो जैसे जो होगा सब के लिए वही वर्सन लागू होता है वही काम लागू होता है तो हम लोग ये देखें कि टैली क्या है तो टैली का आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि टैली जो है हमारा लेन देन के सेंस में काम करता है आप इसको जैसे कह लीजिए या हम कह सकते हैं टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम बिजनेस के अकाउंटिंग को मेंटेन या लेन देन करते हैं तो इस तरह से आप टैली के बारे में जान सकते हैं कि टैली क्या है मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आज के सेशन में थोड़ा सा हम आपको टैली के बारे में इंट्रोडक्शन दिए हैं कि टैली क्या है आप इसका यूज कैसे कर देंगे हाउ टू लर्न टैली टैली इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं उसका परिचय दिए उसका उद्देश्य क्या है उसको सीखने से बेनिफिट क्या होता है ये सब बताएं टैली आपको सीख लेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा ये सब हम आपको बताएं तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में व्हाट इज टैली टैली क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ईआरपी कहिए टैली प्राइम कहिए टैली नाइन कहिए सब में एक ही बात लागू होता है तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली के अंदर में हम लोग टैली क्या होता है ये जाने तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।